Hello and welcome to Let's Crack NEET UG. The first thing, audio check karenge. So, audio clear hai? I hope jo previous cheezein ki hain, those you have revised. Because we are on the second last lecture of this topic. आज और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर सेल डिवीजन सेल साइकिल. सो रिवाइज करना है बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डाउट्स वगैरह भी लेंगे प्लस वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज. आई एम गुड. आप सब लोग ठीक हैं? ऑडियो जस्ट चेक करना है. मुझे एम्स दिल्ली 21 में चाहिए. 21 में वी स्टिल हैव टाइम. तो आई होप आपने सारे जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और सब्सक्रिप्शन जो अकॉर्डिंगली चाहिए वो ले लिया है. अगर नहीं लिया है तो यू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज माय कोड सो दैट यू गेट द डिस्काउंट. ऑडियो इज गुड. हेलो 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 एवरीवन. Okay, let me give you some basic information about this particular topic. As I said, second last lecture hai is topic pe hamara. So, aaj hum log meiosis 2 complete kar lenge. Meiosis 2 mein jo bhi steps hain, wo sab ho jayega. Jo next lecture hamara hoga, उसमें वी विल बी कंप्लीटिंग थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का. देन वी विल टेक डाउट्स. सो कम प्रिपेयर्ड. और डाउट्स एक बार आपके सब क्लियर हो गए उसके बाद में आई हैव प्लान्ड अ शॉर्ट क्विज फॉर यू एंड दिस क्विज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कितना समझ में आया है कितना नहीं है कहाँ हम डाउट रह गया है. सो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. So, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तक हमने जितना किया इस पर्टिकुलर टॉपिक में यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एंड कम प्रिपेयर्ड विद द डाउट्स दैट यू मे हैव. ठीक है. ऑलराइट. सो वी आर ऑन लेट्स क्रैक नीट यूजी. बट मैंने आपको कहा था कि दूसरे चैनल्स पर भी मैं क्लासेस ले रही हूं एंड अभी जो the thing which I was telling you was this is the class that we are in right now. 17th ko hamara last hai jisme hum meiosis ke types difference karenge and then we will have a quiz. Doubt solve bhi ho jayenge isi isme aur uske baad mein we will start with human physiology aur maine ek chota sa topic pick kiya hai human heart and its functioning. But जो लेट्स क्रैक नीट यूजी इंग्लिश वाला चैनल है यूट्यूब पर वहां पर अभी जो मैंने स्टार्ट किया है दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया है. ये 15th है आज. यहां पर हमने प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया. सी ये जो चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी इंग्लिश हियर द लेक्चर्स आर इन प्योर इंग्लिश. अब प्योर इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शेक्सपियर वाली इंग्लिश है. ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली होती है. एंड एनीवेज व्हेन अभी इस चैनल पे जब हम पढ़ रहे हैं द टर्मिनोलॉजी इज इन इंग्लिश. सिर्फ जो बीच का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट है दैट इज डन इन हिंदी. सो ये वाले जो चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी इंग्लिश ये भी आप अटेंड कर सकते हो. यहां भी वीडियोस देख सकते हो सो दैट आपके मल्टीपल चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. बिकॉज व्हेन वी से वी आर टारगेटिंग नीट एग्जाम 2021 तो हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम अगर है सो मल्टीपल लेक्चर्स होने चाहिए. अभी हमारी स्पेशल क्लास भी स्टार्ट हो गई है प्लस भी स्टार्ट होने वाले हैं. सो जो भी करना है जल्दी करके एंड यू शुड बी ऑल सेट. ये एक और चैनल है दैट इज बायोलॉजी 101. इस पर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है. सो एक जगह प्लांट होगा फिजियोलॉजी एक जगह ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा एंड दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस. द स्टूडेंट्स हु आर विथ मी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ दे नो मी. आई एम डॉक्टर नीला बकोरे. बट जो नए आए हैं अभी इस चैनल पर फॉर देम
ये थोड़ा सा मेरा इंफॉर्मेशन है. आई एम योर बायोलॉजी टीचर एंड वी आर यूजिंग दिस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. स्पेशल क्लासेस मैंने जो स्टार्ट की हैं, उन स्पेशल क्लासेस में आई हैव स्टार्टेड विथ जेनेटिक्स. सो स्पेशल क्लासेस देखने के लिए यू वुड नीड दिस अन अकेडमी लर्निंग ऐप. इसे इंस्टॉल कर लो. ऐप इंस्टॉल करते से ही यू विल गेट ऑल दीज लाइव क्लासेस. ये आपको एक्सेसिबल हो जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस है. जो टेस्ट है लाइक जेनेटिक्स में, अभी बहुत जल्दी मैं पोल भी करूंगी, सो वो भी आप अटेंड कर सकते हो. बट फॉर ऑल दोज थिंग्स आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप स्टोर से कर सकते हैं. ये एजुकेटर्स हैं, इनके लाइव लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे. एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दैट दिस सब्सक्रिप्शन प्लान इज गोइंग टू चेंज वेरी सून. ये प्राइजेस जो अभी आपको दिख रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन लाइक दिस. देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइज हाइक वेरी सून. सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, सो टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यूज द कोड नीला. ये मेरा कोड है, सो दैट कोड यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो स्टार्ट करो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेकर एंड जल्दी जल्दी से प्लान करते हैं. सो ओके, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर रेडी. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 2. मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है. एक क्विक रीकैप यहां पर मैं आपको बता देती हूं, व्हाट ऑल वी डिड इन मियोसिस 1. इन मियोसिस 1, अभी हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नहीं लिख रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन शॉर्ट. सो प्रोफेज 1 किया था. प्रोफेज 1 में वी टॉक्ड अबाउट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये सब फेजेस की बात की थी. फिर मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हुए थे, वो थे होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में. सो वन क्रोमोसोम मूव्ड टुवर्ड्स वन पोल, अदर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अदर पोल. और जब एनाफेज में वो मूव हो गए थे, तो हमें मिला था हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ईच पोल. तो ये हो गया था एनाफेज 1 में. टेलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल हो गई. और इसके बाद थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में दो डॉटर सेल्स बन गए हैं विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो इफ ये हमारा पेरेंट सेल है विथ 2n, मियोसिस 1 के बाद देयर आर टू डॉटर सेल्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. साइटोकाइनेसिस के बाद देयर इज अ शॉर्ट प्रेपरेटरी पीरियड विच इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. यहां पर सिर्फ प्रोटीन एटीपी प्रेपरेशन होगा, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन. और जो दो डॉटर सेल्स हैं जिनमें अब इंटरकाइनेसिस हो चुका है, नाउ दे विल एंटर प्रोफेज 2. सो प्रोफेज जब हम बना रहे हैं, प्रोफेज 2 जब बना रहे हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट विद 2 डॉटर सेल्स. ठीक है. और डॉटर साइटोकाइनेसिस हॉरिजॉन्टल हुआ था, सो दिस इज 1 डॉटर सेल एंड दिस इज द सेकेंड डॉटर सेल. ठीक है. ये हमने कहां बनाया है, दिस इज इंटरकाइनेसिस सेल. इसने इंटरकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट एंड ईच न्यूक्लियस हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड विथ 4 इन द पेरेंट सेल. यहां पर हमने 4 लिया था, सो अब ये दो दो क्रोमोसोम्स हैं. सो हियर वी फाइंड 2 क्रोमैटिन फाइबर्स इन ईच डॉटर सेल. एनिमल सेल से हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. सो यहां पर हम ये सेंट्रियोल एक एंड, सॉरी ये यहां पर नहीं आएगा सेंट्रियोल, इसको यहां बना देते हैं जहां पर था डिविजन के बाद. सो ये हमारे दो डॉटर सेल्स हैं.
दोनों डॉटर सेल्स अब साइमल्टेनियसली दे एंटर इनटू प्रोफेज टू. अब इफ वी वांट हम अर्ली प्रोफेज टू भी बना सकते हैं और लेट प्रोफेज टू भी बना सकते हैं. अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अब प्रोफेज टू में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसोसिएट, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसोसिएट. फिर मिड में आते ही फाइबर्स विल कंडेंस, जो सेंट्रियोल अब स्प्लिट हो गया यहाँ पर इंटरकाइनेसिस में वो अब ऑपोजिट पोल पर जाएगा, और लेट में एस्टर रेज बन जाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे. सो व्हाट वी विल डू इज हम सीधे कंप्लीट करके बना देते हैं बिकॉज वी नो अर्ली मिड और लेट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो व्हाट वी डू इज वी मेक अ सेल जिसमें सारे चेंजेस, मतलब प्रोफेज टू कंप्लीट हो गया है, इस तरह से बनाते हैं. नाउ यू हैव टू वॉच दिस केयरफुली बिकॉज अब यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज होने वाली है. प्रोफेज, जब हमने माइटोसिस की बात की थी तो जो स्पिंडल फाइबर स्प्लिट होते हैं एस फेज में वो ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं. मियोसिस में भी वैसा ही हुआ था. अब मियोसिस वन में पोल्स की एक्सिस कैसे थी, एक पोल ऊपर के एंड पर था, एक पोल नीचे के एंड पर था, तो हमने उसको कहा पोल्स वर्टिकल है या स्पिंडल जो बना वो वर्टिकल है. सो अब मियोसिस टू में जो स्पिंडल का अलाइनमेंट होगा वो फर्स्ट मियोसिस वन का जो है उसके राइट एंगल पर होगा. सो मियोसिस वन में वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल होगा. अगर मियोसिस वन में हॉरिजॉन्टल होता तो यहां पर वर्टिकल होता. सो जो भी मियोसिस वन में है उसका राइट एंगल पे आएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाएगी बिकॉज प्रोफेज कंप्लीट हो रहा है, प्रोफेज टू कंप्लीट हो रहा है. सो अब लेट अस फर्स्ट मेक द सेंट्रियोल. ये एक सेंट्रियोल यहां चला गया, एक यहां चला गया, मतलब पहला पोल कैसा था, मियोसिस वन में ऐसा पोल था, अब जो पोल बना है वो ऐसा. दिस इज मियोसिस वन, ये मियोसिस टू का पोल है, फर्स्ट के राइट एंगल पर रहेगा. एस्टर रेज अपियर हो गए हैं, ये दोनों सेल में सेम चीज होने वाली है. जो एस्टर रेज हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ये सब अपियर हो चुके हैं. एस्टर रेज आर द स्मॉलर रेज एंड द स्पिंडल फाइबर्स दे आर द लॉन्गर फाइबर्स. दोनों तरह के स्पिंडल फाइबर्स रहेंगे, कौन से, एक जो पोल टू पोल जा रहा है, सो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और कुछ है जो क्रोमोसोम पर अटैच्ड है. अदर सेल विल ऑल्सो हैव द सेम थिंग. क्रोमैटिन फाइबर्स हैव कंडेंस्ड, सो कंडेंस होने के बाद नाउ दे आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम लाइक थ्रेड, रॉड लाइक थ्रेड. दो क्रोमोसोम्स हैं इन ईच सेल, सो वी हैव टू ड्रॉ टू क्रोमोसोम्स हियर. ये दोनों सेल में प्रोफेज कंप्लीट हुआ. क्या क्या हुआ प्रोफेज में कंप्लीट, हम लास्ट तक बना रहे हैं, फर्स्ट अर्ली मिड और लेट नहीं लिख रहे हैं. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने कहा था मियोसिस टू इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस, एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि डिफरेंस है कि यहां समझ में आ गया. सो ये पोल का ओरिएंटेशन, स्पिंडल फाइबर का ओरिएंटेशन चेंज हो गया. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स डिसोसिएट, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होने लगे हैं, और एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स असेंबल. सो जो स्पिंडल है पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल है. सो ये जो चेंजेस हुए हैं दीज आर प्रिटी मच लाइक व्हाट हैपेंस इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस.
वहां पर भी सेम चीजें हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसोसिएट होता है, पूरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे सेल में स्कैटर्ड रहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स धीरे धीरे कंडेंस होने लगते हैं, एस्टर रेज आती हैं, स्पिंडल फाइबर्स आते हैं। कौन से स्पिंडल फाइबर्स हैं? हियर वी हैव ड्रॉन टू, दोनों हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर एंड द वन जो क्रोमोसोम पर अटैच्ड है उसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। सेम है। सो जैसा प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस के, प्रिटी मच वैसा ही है, बट सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ पोल्स या जो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल है वो पहले वाला मियोसिस वन के राइट एंगल में आ गया है। सो ये हमारा प्रोफेज टू हो गया। अब क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर आना चाहिए। सो अगर पोल्स हम ऐसे बनाते हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेन था, अब हमने पोल्स उसके राइट एंगल बना दिए, तो एक पोल इधर है एक पोल इधर है, तो इक्वेटोरियल प्लेन यहां पर आएगा। सो ओरिएंटेशन हर एक स्टेज में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोल्स का ओरिएंटेशन। मेटाफेज टू की बात करते हैं, लेट अस ड्रॉ द सेल। अब वो अगर मेटाफेज में है तो उसमें क्या क्या हमें दिखेगा? दोनों सेल्स, बोथ द डॉटर सेल्स, जो चीजें सेम हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है, वी नीड टू ड्रॉ दोज फर्स्ट। उसमें आ जाएगा हमारा सेंट्रियोल जो दूसरे दोनों पोल्स पर है, और एस्टर रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स। एस्टर रेज ले लेते हैं, दीज आर द स्मॉलर रेज, एनिमल सेल है, सो एम्फियास्ट्रल है, ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, कंटिन्यूअस पहले बना देते हैं, एंड देन द डिसकंटिन्यूअस। और जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं दे हैव अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये वाला जो मिड लाइन होगा दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेटोरियल प्लेन। सो नाउ लेट अस मेक अवर क्रोमोसोम्स। So the chromosomes are aligned here. Each chromosome is having sister chromatids. So ye jo chromosome yahan align hua hai, this chromosome is like this. And the spindle fibers which are attached, these spindle fibers are from two poles. इस पोल का स्पिंडल फाइबर भी सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है और इसका भी अटैच्ड है। That means यहां पर जब एनाफेज होगा तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होने वाला है, ठीक है? So ये हो गया मेटाफेज। क्या क्या चेंजेस हुए? क्रोमोसोम्स सिंगल। मेटाफेज वन में क्या हुआ था? अगर हम मेटाफेज वन की बात करते हैं, सो क्रोमोसोम्स जो इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हुए थे देवर लाइक दिस, देवर अरेंज्ड इन होमोलॉगस पेयर्स, और हर एक क्रोमोसोम के पास उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सो वन क्रोमोसोम पेयर, ये जो पेयर था उसमें से एक ऊपर चला गया, एक नीचे या दूसरे पोल की तरफ आ गया। अब यहां पर जो क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं, इट इज वन क्रोमोसोम which is attached to two chromosomal fibers, one from one pole, other from other pole. So yahan par chromosomes, ise hum likhte each with sister chromatids align on the equatorial plane.
ये मेटाफेज टू हो गया, सो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं. एवरी क्रोमोसोम इज कनेक्टेड विथ टू स्पिंडल फाइबर्स, टू क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, वन फ्रॉम ईच पोल. अब इसके बाद में ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दिस इज गोइंग टू पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स इट्स साइड एंड दिस इज गोइंग टू पुल टुवर्ड्स इट्स साइड. सो अब अगर एनाफेज बनाते हैं तो एनाफेज में जो कॉमन चीजें हैं दैट इज ये दोनों डॉटर सेल्स सेंट्रियोल, एंड हम लोग जो अभी बनाएंगे क्रोमोसोम वो पोल्स के पास बनाएंगे, दैट मींस ऑलमोस्ट एनाफेज कंप्लीट होने वाला है. एस्टररेज और स्पिंडल फाइबर्स भी बना लेते हैं. एस्टररेज में कोई चेंज नहीं आएगा, स्मॉलर एस्टररेज आर गोइंग टू बी एज इट इज. क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स में चेंज आएगा बट जो इंटरपोलर हैं वो एज इट इज रहेंगे. अब जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्रोमोसोमल फाइबर है. सो अब जब क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ है. सो वन क्रोमोसोम हैज गॉन हियर, दूसरा इधर. ये ओरिजिनल क्रोमोसोम हमने इस तरह से बनाया था, ये क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक स्पिंडल फाइबर ने इधर पुल किया, एक ने इधर पुल किया. सो ये यहां से ऐसा स्प्लिटिंग हो गया है. सो वन क्रोमोसोम विथ इट्स नॉर्मल डीएनए कंटेंट एक पोल पर जाएगा, द अदर गोज टू द अदर पोल. सेम यहां पर ना. आर वी मिसिंग एनीथिंग इन दिस डायग्राम, कुछ और भी बनाना चाहिए क्या यहां पर? एंड इफ यस वो क्या चीज होनी चाहिए? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ है, एंड अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो इंटर जोनल फाइबर्स बनते हैं. सो यहां पर वी नाउ हैव इंटर जोनल फाइबर्स. क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं. ये जो छोटा फाइबर दिख रहा है दिस इज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर. सो अब क्या क्या चेंजेस हुए एनाफेज में? एनाफेज में क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ है? सेंट्रोमियर स्प्लिट्स. ये माइटोसिस के सिमिलर हो गया. माइटोसिस के एनाफेज में भी सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था. एनाफेज वन में नहीं होता. सो एनाफेज में और एनाफेज टू में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और बिकॉज सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है इंटरजोनल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स अपियर हियर. एनाफेज में ही हमें थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा. किस तरह से दिखेगा साइटोकाइनेसिस? यहां पर हमें हल्का सा ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन दिख सकता है, बट नॉर्मली बिकॉज हमारा पूरा फोकस स्पिंडल फाइबर पे रहता है हम वो कॉन्स्ट्रिक्शन शो नहीं करते हैं. सो यहां पर हम लिखते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स starts here. यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा. Okay, चलो अभी कुछ questions, doubts तो नहीं दिख रहे हैं. So let us continue with this. Anaphase 2 हो गया. अब anaphase 2 अगर हम late anaphase की बात करते हैं तो chromosomes would have reached the poles. Poles के बिल्कुल पास में आ जाएंगे. अब इसके बाद होगा telophase 2. और अगर हम telophase की बात करते हैं तो which is reverse of prophase.
सो टेलोफेज में जो जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअसेंबल हो जाएगा, वो सारी चीजें हमें यहां मिलेंगी। सो अब पहले हम हमारा सेल बना लेते हैं। सो दिस इज वन डॉटर सेल, यहां पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बिकॉज एनाफेज में स्टार्ट हुआ है तो टेलोफेज में दैट कॉन्स्ट्रिक्शन इज गोइंग टू गेट लिटिल डीपर। ये दो डॉटर सेल्स हैं एंड रिवर्स ऑफ प्रोफेज, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीअसेंबल। कहां पर असेंबल होगी? जहां ये क्रोमोसोम्स पहुंचे हैं, वेरी क्लोज टू पोल्स। सेंट्रियोल्स एज इट इज रहेंगे अपने पोजीशन पर, सो वन इज हियर द अदर इज हियर, एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सी द एस्टर रेज एंड द स्पिंडल फाइबर्स। सो यहां पर क्या क्या हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, membranes of organelle reassemble, ek change, dusra chromatin fibers decondense, and ab decondense jab honge to wo thin ho jayenge in the form of chromatin. So chromatin fibers now appear because chromosomes अब decondense हो गए हैं। Third, एक और change यहां पर आएगा। क्या change दिख रहा है? Aster rays and spindle fibers dissociate, और जो साइटोकाइनेसिस के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो थोड़ा सा और डीप होगा। सो कॉन्स्ट्रिक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपन्स। अब इसके अंदर हम क्रोमैटिन फाइबर्स बना देते हैं। सो जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो हर एक सेल में कितने आ गए हैं? टू। सो वन टू, वन एंड टू इन ऑल ऑफ दीस। सो ये अब अल्टीमेटली जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, सो ईच डॉटर सेल इज गोइंग टू हैव टू क्रोमोसोम्स। पेरेंट सेल जहां से हमने स्टार्ट किया था वो पेरेंट सेल में देर वर रादर फोर क्रोमोसोम्स, और अब जो चार डॉटर सेल्स बने हैं दे आर गोइंग टू हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज टू क्रोमोसोम्स इन ईच। ये टेलोफेज टू हुआ। टेलोफेज टू के बाद साइटोकाइनेसिस टू होगा। सो इफ यू हैव टू ड्रॉ साइटोकाइनेसिस वील डू वन थिंग, दो स्टेज में बना लेते हैं। फर्स्ट में यू सी दिस कॉन्स्ट्रिक्शन, इन द अदर सेल ऑल्सो, in all the cells the nuclear membrane has properly assembled, so nucleus is properly visible. yahi cell aage iska jab constriction aur deep hoga, so finally the cytoplasm will completely divide and hame yahan par aise char daughter cells visible honge. Every cell is going to have its न्यूक्लियस। सेंट्रियोल बना लेते हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव देयर सेंट्रियोल, और जहां पोल था वहीं पर बनाएंगे बिकॉज दिस इज एन एनिमल सेल, हम सेंट्रियोल बना रहे हैं। अगर प्लांट सेल होता तो हम सेंट्रियोल नहीं बनाते। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा वो डायग्राम अभी बना लेंगे। And in each cell, one, two chromatids, thread-like, visible rahenge. So these are four
haploid daughter cells. और ये जो डायग्राम हमने बनाया है साइटोकाइनेसिस का, दैट इज इन एनिमल सेल्स. अब सेम साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट सेल में होती है, सो क्या डिफरेंस रहेगा? वील हैव टू ड्रॉ द सेल फर्स्ट. सो ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. सेंट्रियोल नहीं है, टेलोफेज टू हो चुका है. सो वन न्यूक्लियस हैज असेंबल्ड हियर, द सेकेंड हैज असेंबल्ड हियर, एंड दोनों सेल्स के बीचों बीच बिल्कुल वी विल सी द फ्रैगमोप्लास्ट. This will be seen in the initial part of cytokinesis. Telophase खत्म होते होते ये cell plate formation start हो जाएगा. So पहले आएंगे phragmoplast और उसके बाद आ जाएगी cell plate. अब ये जब cytokinesis complete होगा, so cytokinesis complete होने के बाद हमें फिर से वही चार cells दिखेंगे, but ये जो बीच में सेल वॉल बनी है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल प्लेट. कहां पर है ये बीच में हमने सेल प्लेट बनाई थी अभी यहां पर? सो यहां पर सेल प्लेट थी, फिर दोनों साइड पर सेल्यूलोज डिपॉजिट हो गया और दोनों सेल्स के बीच में सेल वॉल आ गई. सो ये हो जाएंगे फोर हैप्लॉइड सेल्स. अगर ये सेल्स को सेपरेट होना है तो ये जो बीच में वॉल बनी है ये डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर वॉल डिसॉल्व हो गई सो दीज फोर सेल्स विल गेट सेपरेटेड. चार अलग अलग सेल्स बन जाएंगे एंड नाउ दीज फोर सेल्स कैन एक्ट एज गैमेट्स. सो ये मियोसिस टू कंप्लीट हो गया, और मियोसिस टू कंप्लीट होते ही हमें कितने सेल्स मिले हैं? लेट अस इसी में बना लेते हैं. वी स्टार्टेड विथ अ पेरेंट सेल जिसके पास फोर क्रोमोसोम्स थे. इसमें हुआ मियोसिस वन, हमें मिले दो डॉटर सेल्स, इसके पास दो, इसके पास दो क्रोमोसोम्स थे. ये दोनों सेल्स में हुआ मियोसिस टू एंड नाउ वी हैव टू 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 टू, ऐसा स्टार्ट हुआ. और जो सेल जिसमें मियोसिस हो रहा है उसको हम कहेंगे मियोसाइट, और मियोसाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है. और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं ये नॉर्मली एक्ट करते हैं एज गैमेट, एक्ट एज गैमेट्स. कुछ अलग तरह की भी मियोसिस होती है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, सो यहां पर मियोसिस में चार डॉटर सेल्स हैं, और माइटोसिस जब होता है तो एंड में दो डॉटर सेल्स मिलते हैं. माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल्स मिले थे दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, और मियोसिस में जो डॉटर सेल्स मिलते हैं दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू सिग्निफिकेंस. इस डिविजन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये डिविजन क्यों इसेंशियल है, वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस? दो ही पॉइंट्स लिखे. इट इज अ रिडक्शनल डिविजन बट is essential for species specific diploidy. जो higher organisms होते हैं वो normally diploid होते हैं, और जो diploid number है that is species specific. उस species के हर member के पास हर cell में वही diploid number होगा. जैसे अगर हम humans की बात करते हैं, ह्यूमंस में जो डिप्लॉइड नंबर है दैट इज 46 और 23 पेयर्स. एंड
every cell of our body should have ये वाला number. अब ये कैसे अचीव होता है? Suppose हम बात करते हैं एक male parent और एक female parent. ये diploid है, मतलब 2n is 46. ये भी diploid है, so 2n is 46. अब जो offspring बनेगा या जो organism बनेगा, उसके पास भी 46 आना चाहिए. So ये कैसे अचीव होता है? They undergo meiosis. Meiosis will result in formation of haploid gametes. अगर हम humans की बात करें, so this is sperm with 23 chromosome, और यहाँ पर it is an egg with 23 chromosomes. अब जब इन दोनों का fusion होगा, the process is called fertilization, और जो cell बनेगा, that is zygote. और जाइगोट में फिर से 46, और इसी में अब जो डिविजन्स होंगे वो होंगे माइटोटिक डिविजन. सो इसमें जो भी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा. सो ये स्पीशीज, ये ह्यूमन है. सो ह्यूमन में 46 कैसे अचीव हुआ? 46 अचीव होने के लिए दिस मियोसिस मस्ट टेक प्लेस. उसके बिना हम स्पीशीज स्पेसिफिक डिप्लॉइडी अचीव नहीं कर सकते. सो ये इस डिविजन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन. क्रॉसिंग ओवर हुआ था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उससे जेनेटिक वेरिएशन होता है. एंड जेनेटिक वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन. टू अंडरस्टैंड दिस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जो जेनेटिक वेरिएशन है वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है. वेरिएशन मतलब जो डिफरेंसेस हैं इन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन. अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, सो ह्यूमंस में बहुत सारे वेरिएशन है. ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो अलग अलग हाइट है, स्किन कलर अलग है, आई कलर अलग है, नोज का शेप अलग है, हेयर कलर अलग है, हेयर टेक्सचर अलग है, ये सब वेरिएशन है. अब इन वेरिएशन का इवोल्यूशन में क्या यूज होने वाला है? सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑफ स्किन कलर. ह्यूमंस में स्किन कलर का वेरिएशन है, एंड दिस इज अ जेनेटिक वेरिएशन. हमारे जीन्स में वेरिएशन है, इसलिए अलग अलग स्किन कलर है. सम हैव डार्कर, सम हैव इंटरमीडिएट, सम हैव लाइटर, कुछ अल्बाइनोज होते हैं. सो ये सब स्किन कलर का वेरिएशन है. अभी इस टाइम पर अगर कोई डार्कर स्किन वाला है, इंटरमीडिएट वाला है, या थोड़ा सा फेयर है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. नेचर में डार्कर स्किन वाले को या लाइटर स्किन वाले को कोई ऐसा बेनिफिट या हार्म नहीं है. बट इफ द सिचुएशंस चेंज, जो अभी हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. सो अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन कंटिन्यू होता है, अल्ट्रावायलेट रेज विल पेनिट्रेट इन टू द अर्थ एटमोस्फियर. अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज म्यूटेशन, इट कैन रिजल्ट इन टू कैंसर. सो हमारे स्किन में ऐसी कौन सी चीज है जो इन यूवी रेस से प्रिवेंट करती है? सो जो पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट, दैट इज मेलानिन. ये जो मेलानिन है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेस. सो अभी इस टाइम पर पॉपुलेशन में वेरिएशन है इन द स्किन कलर. नाउ आफ्टर फ्यू ईयर्स, few decades maybe, if the ozone layer becomes very thin, ozone holes appear हो जाते हैं, so UV rays earth के atmosphere में आ जाएंगे. Darker skin वाले जो लोग हैं, they have more melanin. Lighter skin वाले जो लोग हैं, they have less melanin. और this is because of the genes or the genetic variation that we have. So, अब जिनके पास ज्यादा melanin है, they will be protected from this UV rays.
Or in other words, we can say that the chances of mutation or cancer in dark-skinned people will be less. So, who is going to survive? जिनके पास ज़्यादा melanin है, उनको कुछ नहीं होगा, they will survive. जो lighter skin वाले हैं, उनमें mutation होने के chances ज़्यादा हैं, and they will be eliminated. So, nature में कौन survive करेगा? Darker skin वाले. And आगे जाकर, maybe 500 years from now, 1000 years from now, most of the people who would be found on earth, they would be dark skin people. So, अब evolve हो गए? So, अब जब वो लोग human evolution की बात करेंगे, तो they would say, you know, हमारे जो ancestors थे, they had fair skin. So, evolution के लिए genetic variation essential है. Condition decide करेगी कौन सा variation select करेंगे. So, ये meiosis से ही possible है, because meiosis में ही crossing over होता है, या exchange of genetic material. So, दो points हैं which explain all the significance of this particular type of division. और gametes बनते हैं, so it is essential for sexual reproduction also. So, third point लिख सकते हैं, it results in formation of gametes and so essential for sexual reproduction. ये significant points हो गए of a meiosis. अभी types of meiosis लेने के पहले I'm going to give you couple of minutes. If you have any doubt, तो वो doubt आप पूछ लो, and then we will come to types of meiosis. Meiotic division थोड़ी सी लंबी है, बहुत सारे steps हैं इसके अंदर, and in this part we have completed meiosis too. अभी types of meiosis देख लेंगे, and then last जो हमारा lecture होने वाला है day after, उसमें थोड़ा सा और part बचेगा, and फिर से doubt solving. और उसके बाद में क्विज. ओके, कोई डाउट्स अगर हो तो जल्दी से मैसेज करो, सो दैट आई एम एबल टू टेक दोज डाउट्स. अभी किसी ने कोई डाउट्स लिखे नहीं हैं. ओके, सैयद सेज इट इज क्लियर. I hope बाकी लोगों को भी clear है, इसीलिए किसी ने अभी तक doubts नहीं लिखे हैं. Suman also says okay, clear है. Sandeep also says clear, very good. So Arpita, yes ma'am, clear है. Ma'am, can meiosis happen in haploid organism? Yes, but it's a different type. Abhi types aa jayenge to ye answer mil jayega. Theek hai? Utkarsh, wait for few minutes, abhi iska answer mil jayega. Theek hai? Evolution depends on temperature. There are many factors on which evolution depends. Basically, it is the nature who selects. And the ones which are selected by the nature are considered as most evolved. Nature ने हमको select किया है, so we are considered as more evolved. Okay? Alright. So, अभी ये वाला part में तो कोई doubt नहीं लग रहा है. Let us come to the types of meiosis. And इससे, जो अभी question आया था, उत्कर्ष ने जो पूछा था, उसका answer भी मिल जाएगा. तीन type के meiotic divisions होते हैं. First, is called gametic meiosis. This is the most common type of meiosis. Most animals mein yahi hota hai. This is seen in diploid organism. Matlab jo cell rahega, that is going to be a diploid cell. And the normal method of meiosis. After meiosis 1, there will be 2 daughter cells. After meiosis 2, there will be 4 daughter cells. Haploid. Okay, in diploid organisms, meiocytes undergo
meiosis. And meiocytes are always diploid. So ऐसी meiosis which results in gamete formation is called gametic meiosis. अब आते हैं zygotic meiosis पर, जो अभी उत्कर्ष का question था. It is seen in haploid organism. Now here the interesting thing is this organism, it is seen in like algae, जो Chlamydomonas type algae है, haploid होते हैं. So ये एक haploid organism है. They lead their life as haploid. एक set के साथ ही वो अपनी पूरी life lead करते हैं. ये एक और haploid organism है, ये भी अपनी life haploid organism की तरह ही lead कर रहा है. But when they have to undergo sexual reproduction, so अब ये जो दोनों cells हैं, दोनों organisms हैं, the two organisms act like gametes. So ये gametes की तरह act करने लगेंगे. So अब haploid organism, दूसरा haploid organism fuse हो जाएगा और एक diploid zygote बनेगा. और ये जो zygote है, इसमें होगा meiosis. Meiosis वैसे ही होगा, meiosis one and two, one and two, and अब क्या बनेगा, चार haploid cells. और ये जो चार haploid cells हैं, they act as organisms. So meiosis होगा, but जाइगोट में होगा, इसलिए इसे हमने कहा जाइगोटिक मियोसिस. हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हैप्लोइड गैमेट्स बाय माइटोसिस या दे एक्ट एज गैमेट्स. व्हेन दीज हैप्लोइड गैमेट्स फ्यूज, एक डिप्लोइड जाइगोट बनेगा एंड ये जो जाइगोट है इसमें मियोसिस होगा. दिस इज सीन इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. So animals में gametic meiosis होता है, lower plants में zygotic meiosis होता है. अब अगर हम बात करते हैं slightly more advanced plants like pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, इनमें जो meiotic division होता है that is called sporogenetic meiosis, because इनमें spores बनते हैं. जैसे यहां हमने cell को meiocyte कहा था, यहां जो cell है that is called spore mother cell. It is called spore mother cell. और जो spore mother cell होता है, ये भी diploid होगा. And it undergoes meiosis to form haploid spores. अब ये जो haploid cells बने हैं, इन्हें हम spores कहेंगे. So तीन तरह के मियोटिक डिविजन्स हो गए. एनिमल्स में जो मियोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर डिप्लॉयड, उनके अंदर डायरेक्टली मियोसिस होकर गैमेट्स बन जाएंगे. जो हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे लीड देयर लाइफ एज हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन दे हैव टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो जो हैप्लोइड सेल्स हैं, वही गैमेट्स की तरह काम करते हैं. और कभी कभी बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म फ्यूज हो रहा है, इसे होलोगैमी भी कहते हैं. So because these two organisms fuse, this is hologamy. Whole organism is fusing. So now Utkarsh, is your question answered? Ki haploid mein meiosis hota hai ki nahi? Okay, I'm waiting for your response. Sonam says, good afternoon, Shraddha, okay, Utkarsh, got it, all right? So, haploid, diploid, dono mein hota hai, but the type is different. Isliye, jab hum baat karte hain, toh we are talking about the types. Hum log jo padhte hain, that is the most common one, which is seen in most of the organisms. Clear hua? Okay, now Sandeep is asking about quiescent stage. क्वेसेंट स्टेज किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर.
क्विसेंट स्टेज इज इन जीवन, जीवन के बीच में एक पार्ट होता है वेयर द डॉटर सेल्स, जिनको आप फिर से डिवाइड नहीं करना है, दे गेट इनटू दैट जी जीरो फेज या क्विसेंट फेज. वहां पर दे ग्रो, दे मैच्योर एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन जिसके लिए वो बने हैं. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन साइकिल, इसलिए उसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं. ओके, जी जीरो भी बता दिया, वही क्विसेंट स्टेज जो है उसी को जी जीरो कहते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग कि ये सब क्लियर हो गया है. सो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज एज आई सेड नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक क्विज करने वाले हैं. सो होपफुली जिन्होंने सबने अभी क्लियर लिख लिया है उनको आंसर करते आएगा. अभी क्विसेंट स्टेज स्निग्धा अभी समझाया एक मिनट पहले. सेल साइकिल में इफ अ सेल डज नॉट नीड टू डिवाइड, तो जो दो डॉटर सेल्स बने हैं दे एंटर इनटू जीवन, दे ग्रो टू देयर नॉर्मल साइज एंड देन दे कम इनटू अ स्टेज जिसे हम बोलते हैं जी जीरो फेज. जो जी जीरो है या क्विसेंट है इसका मतलब सेल्स आर इनएक्टिव डिविजन वाइज, वो अब डिवाइड नहीं होंगे. And that G0 phase is called quiescent phase. ठीक है? So I hope अभी तक जितने doubts थे वो सब clear हो गए हैं. अब एक छोटा सा part हमारा बचा है. इसके लिए what you have to do is you have to study mitosis, meiosis, meiosis 1, meiosis 2. इसको एक बार पढ़ना है. एनसीईआरटी में से भी पढ़ना है. ईच एंड एवरी स्टेज इज व्हाट यू हैव टू रीड. एनसीईआरटी के डायग्राम्स ध्यान से देखना है, ये क्विज के लिए एक हिंट है. एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ते हैं. बिकॉज नीट में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो एज इट इज स्टेटमेंट उठा लेते हैं ऑप्शंस में एंड एक हाथ वर्ड चेंज कर देंगे. सो इफ यू हैव रेड द बुक केयरफुली देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड या पिक कि कौन सा सही स्टेटमेंट है और किस में गलत हुआ है. ठीक है? सो आज जो हमने डिस्कस किया उसमें भी टॉक्ड ऑफ मियोसिस 2 विच इज सिमिलर टू माइटोसिस. एग्जैक्टली सेम नहीं है. ठीक है, जो डिफरेंस था वो हमने देख लिया था. बिकॉज द प्लेन ऑफ पोल्स ओरिएंटेशन स्पिंडल फाइबर का ये थोड़ा सा अलग है. बिकॉज माइटोटिक डिविजन में ऐसे दो डिविजन होते ही नहीं है, तो वहां पर जैसा प्लेन है वैसा का वैसा दूसरे डिविजन में भी हो सकता है. सो स्टेजेस ध्यान से करना है. जितने डायग्राम्स हमने बनाए हैं वो सारे डायग्राम्स रिवाइज करना एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द डायग्राम्स फ्रॉम एनसीईआरटी. सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन दीज डिविजन्स. उनके डिविजन्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो सारी पॉइंट्स करेंगे और उसके बाद आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क योर डाउट्स. जैसे आज आप लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे, हो सकता है अभी आपने पूरा रिवाइज नहीं किया हो इसलिए थोड़े से एक दो डाउट्स ही थे. और डाउट्स डिस्कस करने के बाद आई हैव अ स्मॉल क्विज फॉर यू. उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका तरीका क्या रहेगा, आई विल गिव यू द क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर से 30 सेकेंड्स और मे बी अ मिनट, आप लोग आंसर करना और उसके बाद हम देखेंगे कितने लोगों ने सही किया, जिन्होंने गलत किया वो क्या गलत किया एंड देन आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि सही आंसर पे कैसे पहुंचना है. ठीक है? सो ये वाले चीजें हमें करनी है नेक्स्ट क्लास के लिए. सो नेक्स्ट क्लास में यू कम प्रिपेयर्ड एंड बाकी जो मेरे टॉपिक्स चल रहे हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं अलग चैनल्स पर. एंड स्पेशल क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है, जैसे आज फिर से मेरी एक स्पेशल क्लास है 2:00 और स्पेशल क्लासेस में मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट किया है. अभी सिर्फ बेसिक चीजें ही चल रही हैं. सो सूनर द बेटर, जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लो सो दैट यू हैव द एक्सेस टू दोज लाइव क्लासेस एंड प्लस क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है. सो टेक द सब्सक्रिप्शन एंड
subscription lete time, the most important thing that you have to remember is the code, so that आपको वो डिस्काउंट का एडवांटेज मिले. और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना, बिकॉज ये प्राइस हाइक होने वाला है. ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज. ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर. आई विल सी यू सून.